रावण वेदों का प्रकांड विद्वान था, उसने सभी वेदों का तो अध्ययन किया है। रावण से विद्वान उस वक्त था कौन? वेद विद्या ही रावण। सभी ग्रंथों का तो पाठ किया, शिव का भक्त था, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, कठिन तपस्या भी करता था, लेकिन एक ही तो कमी थी, जान नहीं पाया। बताने की कोशिश की मंदोदरी ने बार बार, विभीषण ने, हनुमान ने बताया, अंगद ने बताया, पर रावण ने जाना नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा गुरु नहीं था ऊपर जो जनवा सके। ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सब बता रहे हैं, लेकिन गुरु बताता है। अर्जुन को उससे पहले पता नहीं था कि वो है कौन और मैं हूं कौन, तो इसलिए बार बार युद्ध से भागता है। केशव मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता। जब श्री कृष्ण बताते हैं तू कौन है, तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा, क्योंकि मैं अधर्म का विनाश करने आया हूं, मुझे करना पड़ेगा। लेकिन यदि मैंने कर दिया और तूने नहीं किया तो तुझे धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए या तो तू कर या मैं करूंगा, तेरा कर्तव्य है ये करना, तुझे करना पड़ेगा। तू यदि इस युद्ध में मारा भी गया तो मुझको पाएगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा, और यदि जीत गया तो मैं और राज्य दोनों की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि तूने धर्म के मार्ग को छोड़ा तो हो सकता है राज्य भी ना मिले और मैं भी ना मिलूं, या हो सकता है राज्य मिल जाए पर मैं नहीं मिल पाऊंगा। रावण प्रकांड विद्वान था, सभी वेदों का अध्ययन किया है, रटे हैं, इतने श्लोक लिख लिए हैं उसने, शिव तांडव जैसा मैंने आपको सुनाया, और न जाने कितने ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन उसके बाद भी ईश्वर को समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। धृतराष्ट्र ने पूरी भगवत गीता को सुना है, पूरी भगवत गीता को बड़े ध्यान से सुना है। भगवत गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मम कः पांडवाश्च किं कुर्वत् संजया। हे संजय बताओ, मेरे पुत्र मम कः पांडवाश्च, मेरे और पांडव के पुत्र युद्ध भूमि में आखिर कर क्या रहे हैं? धृतराष्ट्र सुना सुन रहा है, संजय सुना रहे हैं, पूरी घटना सुना रहे हैं, उसी चीज को अर्जुन सुन रहा है, उसी को धृतराष्ट्र सुन रहा है। आप सभी यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन सबकी गति और मति सुनने की अलग हो सकती है। हो सकता है कुछ को आप में से राम मिल जाएं और कुछ को ना मिले। हाँ, लेकिन ये निश्चित है कि यदि आप सुन रहे हैं तो आपका उद्धार होगा अवश्य, क्योंकि ये कलयुग है और गोस्वामी जी ने लिख दिया है, गोस्वामी जी के बाद असत्य नहीं हो सकती। तुलसी मेरे राम को रीज भजो या क्या, कैसे भी भजो, जब भूमि में बीज उल्टा या सीधा जाता है तो उपजता है। ये हो सकता है कि जब वो उपजे तो फल कम दे, एक अच्छा वृक्ष ना हो पाए, कमजोर वृक्ष रह जाए, लेकिन फल देगा। फल नहीं देगा तो कम से कम छाया तो देगा, छाया भी नहीं देगा तो हरी पत्तियां तो देगा, ऑक्सीजन तो देगा, कुछ तो देगा। इसलिए कलयुग है, इसमें आप किसी भी भाव से सुनेंगे उसका आपको परिणाम फल तो मिलेगा। लेकिन सब लोग कथा सुन रहे हैं, सबको अलग अलग प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जैसा मिल जाएगा, समान नहीं। वो निर्भर करेगा आप किस गति और किस मति से कथा का श्रवण कर रहे हैं। बताओ संजय, मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में अभी कर क्या रहे हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में हो क्या रहा है? धृतराष्ट्र मोह के वश में होके सुन रहे हैं, और मोह है सकल व्याधिन सब मूला, सभी व्याधियों का कारण मोह है, जो धृतराष्ट्र को जानने नहीं दे रहा है, पुत्रों का मोह। और मोह भी आंखों पे पट्टी बांध कर, अंधा मोह कर रहा है धृतराष्ट्र, नेत्र बंद है, बगल में गांधारी भी बता सकती है, लेकिन उसने भी पट्टी बांध ली है।
माँ बाप यदि आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी संतान से मोह करेंगे, गलत कार्य करने पर नहीं रोकेंगे, तो परिणाम वही होगा जो उस कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों का हुआ है। संतान की पालन करें, संतान को प्रेम दें, लेकिन आंखें खोलकर। और जहां पिता भी पट्टी बांधे हो, अंधा हो, और माता भी पट्टी बांध ले, वहां तो संतान बेशक 100 हो, लेकिन एक दिन सब युद्ध भूमि में पड़े रह जाएंगे।